मुंबई समंदर से घिरा सपनों का एक ऐसा शहर जिसकी चमक हर किसी को इसके किनारों तक खींच लाती है। लेकिन क्या अपने सपने पूरे करते करते इस शहर के लोग अपनी इंसानियत खो चुके हैं? अपने शहर में होती तो इस वक्त घर पर होती। 9 बजे तक अगर घर नहीं पहुंची तो पापा मेरी हर सहेली को कॉल करके इंक्वायरी कर लेते। 4 महीने पहले पापा से जिद करके मुंबई आई थी अपने सपनों को साकार करने। ऑफिस का दूसरा दिन था। काम खत्म होते होते रात के 1 बज गए थे। क्या बोरीवली चलेंगे? मैं पहली बार बाहर थी एक नए शहर में अनजान लोगों के बीच। अचानक ख्याल आया, मैंने अपना पर्स खोल के देखा तो पैसे कम थे। 3-3 ATMs के चक्कर काटने के बाद रियलाइज हुआ कि कार्ड काम नहीं कर रहा। अचानक मेरी नजर टैक्सी के मीटर पे गई। भैया आप प्लीज यहीं रोक दीजिए। मैडम बोरीवली को भी 20 मिनट है। नहीं आप प्लीज यहीं रोक दीजिए। ये लीजिए भैया, पूरे 200 हैं। क्या हुआ भैया? पक्का आपको यहीं उतरना है? हाँ, मेरी सहेली का घर यहीं कहीं आसपास है तो मुझे यहीं उतरना है। मैं चली जाऊंगी, आप लीजिए ना, आप जाइए। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैं वहां से अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन आगे जो होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरी रीतू मेरे घर से 20 मिनट की दूरी पर रहती है। बाइक से 5 मिनट में पहुंच जाता हूँ, अगर चेक पोस्ट ना हो तो। हेलो सर। लाइसेंस चल। सर जाने दो ना। ए, चुप रहे। श्याम आयला, क्या उम्र है तेरा? 15-16? नहीं सर, पूरे 18 का हूँ। सच्ची में ये देखी ना, मेरी मुझे भी तो है। ए, ये ना समझा क्या मेरे को। चल लाइसेंस निकाल। अब जाऊं? फाइन भरना पड़ेगा। फाइन? हेलमेट किधर है तेरा? सर वो बाल खराब हो जाते ना, हेलमेट घर पे। अच्छा, सर पे पहनने वाली चीज घर पे? सर प्लीज सर, जाने दो ना, नई बाइक है, गर्लफ्रेंड वेट कर रही है। ये तावड़े जाओ दे तेला। हेलो सर। तावड़े ड्रिंक और ड्राइविंग करने वालों को बिल्कुल छोड़ना मत, और इसको वार्निंग देके छोड़, बच्चे आ रहे। अरे बच्चा नहीं है साहब, अभी अभी मुझे अपनी नई मूंछ दिखा रहा था। बुलाना बच्चा है, जाओ दे। ए बच्चा, हमेशा हेलमेट पहन के ही चलाने का, हा? तेरी सेफ्टी के लिए। हा?
चलो जाओ। थैंक यू सर। यहाँ से गाड़ी पास नहीं होना चाहिए। क्या सर, बच्चा बोल के छोड़ दिया और मैं हंस के वहां से निकल गया। क्या येड़ा बनाया सबको। जाओ दे, तू गाड़ी चेक कर। मुझे ऐसे रूल्स तोड़ने में मजा आता था। उस सैटरडे रितु के घर पार्टी करने मैं अपने घर से निकला बिना हेलमेट के। हाँ, हेलमेट का ख्याल आया मुझे, लेकिन मैं लेट हो रहा था। सोचा पीछे वाले रास्ते से निकलूंगा तो चेक पोस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी और गायत्री की शादी को 14 साल हो गए थे। हमारे कोई औलाद नहीं थी, मगर पिछले साल हमारी प्रार्थना रंग लाई। गायत्री की प्रेगनेंसी जब 8वें महीने में थी, अचानक एक रात उसके वाटर बैग पे स्ट्रेस आ गया। हालात काफी नाजुक थे। बस थोड़ी देर और बेबी, थोड़ी देर और। मैं डॉक्टर सोनिया को फोन लगा रहा हूं। कुछ नहीं होगा तुम्हें, डोंट वरी। बस हम पहुंच गए। बस हम पहुंच गए गायत्री। एक्सक्यूज मी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। होल्ड ऑन। जस्ट सिट। मैं एक सेकंड में आता हूँ। एक्सक्यूज मी। मेरा नाम हर्ष कपूर है। हाँ, मुझे डॉक्टर सोनिया से मिलना है। डॉक्टर सोनिया तो आउट ऑफ टाउन है। कोई और रेजिडेंट डॉक्टर तो होगा, उसको बुलाइए प्लीज। हाँ, मैं देखता हूँ। ओके मैडम। सर 15 मिनट तो फिर भी जाएंगे रेसिडेंट डॉक्टर को पहुंचने में। जहां एक एक लम्हा मेरी बीवी और बच्चे के लिए कीमती था, वहीं पे वो 15 मिनट की देरी हमारे 14 साल के इंतजार को बर्बाद करने जा रही थी। और ये सदमा हमारे लिए बर्दाश्त के बाहर था। पता नहीं कितनी देर से चल रही थी, मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। एक जानी पहचानी आवाज मेरी ओर तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अचानक आप मैडम अब तो तुम वापस क्यों आए हो? मैडम घबराइए मत प्लीज, के पास पैसे नहीं है ना, ये समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तुमको कैसे पता चला कि मेरे पास पैसे नहीं है? आधी रात को कोई यूं ही 3 ATM में चक्कर नहीं काटता मैम। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं। मुझ पर भरोसा करो मैडम, रात को मिलने वाला हर आदमी बुरा नहीं होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक अनजान टैक्सी वाला मेरी मदद करने के लिए मुझे ढूंढता आएगा।
होश आने पर मैं हॉस्पिटल में था। मेरे सामने थे मेरे मॉम डैड। बचाने वाले का नाम पूछा तो सिर्फ एक नाम सामने आया, पाटिल। मैं तो ऑलमोस्ट मर ही गया था, लेकिन सुना है कि मिस्टर पाटिल मुझे मरने ही नहीं देना चाहते थे। जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता हम तुम्हारा साथ देगा। ड्रेस चेंज कर दूं मैं आपका। पंद्रह मिनट में रेजिडेंट डॉक्टर आ गए, मगर उससे पहले ही गायत्री ने मेरे बेटे को जन्म दे दिया था। और उस वक्त उसके साथ थी सिर्फ और सिर्फ सिस्टर मैरी। तो देखा आपने, ऐसे ही कई लोगों की अच्छाइयों की वजह से मुंबई की स्पिरिट बरकरार है, और ऐसे अनगिनत लोलाइट हीरोज को यीशुस सलाम करता है। वेडिंग एनिवर्सरी थी और आप हमारी वजह से। हमारा वेडिंग एनिवर्सरी का खुशी आपका बाबा का जन्म से बड़ा कैसा हो सकता था। आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। आइए।